सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक घायल कुत्ता इलाज के लिए खुद फार्मेसी की दुकान में पहुंच गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कुत्ते के पंजे पर चोट लगी है। ऐसे में जब उसे फार्मेसी की दुकान का दरवाजा खुला दिखा तो वो इलाज कराने के लिए दुकान के अंदर घुस गया, जहां पर शॉप में पहले से ही एक कुत्ता मौजूद था। और जैसे ही उसकी नजर उस घायल कुत्ते पर पड़ी तो वो उसकी ओर भागने लगा। तभी वहां एक फार्मासिस्ट आ जाती है। फार्मासिस्ट कुत्ते को देखकर तुरंत समझ जाती है कि कुत्ते को चोट लगी है और वह बेहद दर्द में है। इसके बाद वो कुत्ते के पंजे पर लगे घाव को साफ करती है और उस पर दवाई भी लगाती है। वही राहत महसूस होने पर कुत्ता उस फार्मासिस्ट के यानी कि बानू के हाथ में अपना पंजा रखता है और वहीं खुशी से लेट जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग फार्मासिस्ट और एक बेजुबान जानवर के बीच के प्यार की खूब तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो को वाजियत नाम के पेज ने शेयर किया है, जिसे अब तक कई लोग देख चुके हैं और अपने अदर सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर कर चुके हैं। 15,000 से ज़्यादा लोग इस वीडियो पर रीट्वीट भी कर चुके हैं। वहीं 16,000 से अधिक लोग इस वीडियो को लाइक भी कर चुके हैं। फार्मासिस्ट बानू से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जब वह इलाज कराने आया तो मेरे सामने अपना पंजा रख दिया और वहीं पर लेट गया। शायद वो जताने की कोशिश कर रहा था कि उसे मुझ पर पूरा भरोसा है कि मैं उसे ठीक कर दूंगी। इस वीडियो को देख लोगों ने फार्मासिस्ट की खूब तारीफ की। अगर वो चाहती तो उसका इलाज नहीं करती, लेकिन उसने अपना फर्ज निभाया, जिससे पता चलता है कि आज भी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। इस महिला ने ना केवल इस कुत्ते की मदद की बल्कि इंसानियत की भी एक मिसाल कायम की। इस वीडियो को अब तक कई लोग अपने अदर सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर चुके हैं। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही हमारे आम आदमी पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।